फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोडा पिछले साल दो साल से इस एक्ट के लिए प्रतिरत रही है। एज अ प्रेजिडेंट मैं भी इस कमेटी का एक बार पार्ट रहा था, पिछले जो साल कमेटी कही गई थी, और ये बहुत वेलकमिंग स्टेप है। इस टाइम की जो सिनारियो चल रहा है, जो अटैक्स हो रहे हैं, डॉक्टर को वैनलाइज किया जा रहा है, ये वाली सारी चीज़ें डॉक्टरों की सेफ्टी, बस डॉक्टरों की नहीं, नर्सिंग्स की, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी, जो लैब टेक्नीशियंस हैं उनकी, जो काम हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, इन सब का मॉरल बूस्ट करेगा। एंड हम गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि ये बहुत अर्जेंट मैटर पे इन्होंने डिसीजन दिया है कि ये सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट था, ये हमेशा के लिए लागू हो जाए। ये ऐसा नहीं कि ये एपिडेमिक है तो यहीं पे ख़त्म हो जाए, इसके बावजूद भी जो हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी है वो चाहती है कि ये लॉन्ग टर्म तक लिए हमेशा के लिए लागू किया जाए। मैंने ये सारी चीज़ें बहुत क्लोजली ये देखी हुई है और मैं वेलकम करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एक स्टेप लिया है हमारी फ्रेटर्निटी के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी इस समय सारे हेल्थ वर्कर जो जूझ रहे हैं इस परेशानी से, उनका मोरल को बूस्ट करेगी और वो काफ़ी हद तक हमें एक एनकरेजमेंट देगी ताकि हम इस कोरोना की फाइट से लड़ सकें और इससे रिकवरी पा सकें। कई बार जब अति हो जाती है तो ऐसे ऑर्डिनेंस भी लाने जरूरी हैं। मैं ऑर्डिनेंस का वेलकम करता हूँ।